हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। देश की प्रथम रीजनल रेल का इंतजार अब खत्म होने वाला है। वर्ष 2022 में 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर को पटरी पर उतारने के लिए युद्ध स्तर पर निर्माण कार्य किया गया। दिन रात हो रहे कार्य की रफ्तार ने एनसीआरटीसी को उस पल के समीप ला दिया है जहां से मार्च 2023 में साहिबाबाद से लेकर दुहाई तक के 17 किलोमीटर के प्रायोरिटी सेक्शन को आम लोगों के लिए शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। निर्माण कार्यों की इस श्रृंखला में एनसीआरटीसी को सभी स्टेक होल्डर्स का पूरा सहयोग मिला और इसी का परिणाम है कि वर्ष 2022 में बहुत सी ऐसी गतिविधियां हुई जिनकी बदौलत दिल्ली से लेकर मेरठ तक आरआरटीएस के पिलर्स और वायडक्ट की रेखा स्पष्ट नजर आने लगी है। निर्मित किए जा रहे अधिकतर स्टेशन आकार ले चुके हैं। जनसाधारण को एक परिवर्तनशील परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए एनसीआरटीसी ने अपने प्रयासों से वर्ष 2022 में कई उपलब्धियां हासिल की। इस वर्ष की शुरुआत से ही सिविल निर्माण ने गति पकड़ी और दिल्ली में आनंद विहार आरआरटीएस स्टेशन के भूमिगत हिस्से के कार्य की शुरुआत हुई। वर्तमान में स्टेशन के बेस और कॉन्कोर्स लेवल का कार्य पूरा हो चुका है। मार्च 2022 में ही आनंद विहार स्टेशन से न्यू अशोक नगर की ओर सुदर्शन ने 3 किलोमीटर लंबी टनल का निर्माण आरम्भ किया। वर्तमान में आनंद विहार से दिल्ली और गाजियाबाद दोनों दिशाओं में कुल 4 सुदर्शन टनल निर्माण कर रही हैं। ये चारों 10 किलोमीटर में से लगभग 5 किलोमीटर की टनल का निर्माण पूर्ण कर चुकी हैं। इसी तरह मेरठ के भी भूमिगत निर्माण ने इस वर्ष कई उपलब्धियां हासिल की। मेरठ के 3 भूमिगत स्टेशनों मेरठ सेंट्रल, भैसाली और बेगमपुल के बीच टनल निर्माण का कार्य अप्रैल 2022 में आरम्भ हुआ। सुदर्शन 8.3 ने लगभग 4 महीने के वक्त में गांधीबाग से बेगमपुल के बीच 750 मीटर लंबी सुरंग का सफलतापूर्वक निर्माण कर आरआरटीएस कॉरिडोर का पहला टनल ब्रेक थ्रू किया। उसके बाद सुदर्शन 8.1 ने भैसाली से मेरठ सेंट्रल स्टेशन के बीच 2 किलोमीटर लंबी टनल का निर्माण कर 15 दिसंबर को ब्रेक थ्रू किया। यह मेरठ की सबसे लंबी टनल है। साथ ही मेरठ के तीनों भूमिगत स्टेशनों के प्लेटफॉर्म और कॉन्कोर्स लेवल आदि के सभी स्लैब का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया। भूमिगत निर्माण के साथ एनसीआरटीसी ने एलिवेटेड सेक्शन की चुनौतियों को सफलतापूर्वक पार किया। आरआरटीएस कॉरिडोर पर 7 स्पेशल स्टील स्पैन स्थापित किए गए जिनकी वायडक्ट निर्माण में बेहद अहम भूमिका है। सबसे बड़ा 150 मीटर लंबा स्पेशल स्पैन गाजियाबाद स्टेशन पर स्थापित किया गया। स्पैन स्थापना के साथ वायडक्ट निर्माण भी तेजी से प्रगति करता रहा। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कुल 70 किलोमीटर के एलिवेटेड सेक्शन में से आधे से ज्यादा वायडक्ट का निर्माण वर्ष 2022 में पूरा कर लिया गया। साथ ही पूरे सेक्शन में 75% से ज्यादा पिलर निर्माण भी पूरा किया गया। एनसीआरटीसी सड़क पर यात्रियों की कम से कम असुविधा सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्यों के पूरा होने के साथ ही पूरी तत्परता से सड़क पर सुरक्षा के लिए लगाए गए बैरिकेड को हटाता जा रहा है। साथ ही पर्यावरण संरक्षा के लिए सड़कों के बीच डिवाइडर पर तेजी से पौधारोपण का कार्य भी किया जा रहा है। सिविल निर्माण की रफ्तार के बीच 7 मई 2022 का दिन एनसीआरटीसी के लिए बेहद खास रहा। इस दिन गुजरात के सावली में स्थित आरआरटीएस के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में पहले ट्रेन सेट की चाबियां एनसीआरटीसी के प्रबंध निदेशक श्री विनय कुमार सिंह को सौंपी गई। इसके बाद से अब तक 4 ट्रेन सेट दुहाई डिपो पहुंच चुके हैं। इन मेड इन इंडिया ट्रेनों के आने का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। वर्तमान में दुहाई डिपो में इन ट्रेनों की विभिन्न प्रकार की टेस्टिंग की जा रही है। ट्रेन सेट का सफलतापूर्वक टेस्ट रन भी किया जा चुका है। साथ ही LTE कम्युनिकेशन नेटवर्क पर यूरोपीय ट्रेन कंट्रोल सिस्टम प्रणाली के साथ ट्रेन सेट की डायनेमिक टेस्टिंग भी सफल रही है। आरआरटीएस नेटवर्क में लगाया जाने वाला यह विश्व का अपनी तरह का पहला सिग्नलिंग सिस्टम होगा। ट्रेन सेट हासिल करने के साथ
वर्ष 2022 में एनसीआरटीसी की सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि 17 किलोमीटर लंबे प्राथमिकता खंड में निर्माण कार्यों को लगभग पूर्ण कर लिया गया। मार्च 2023 तक इस खंड को आम जनता के लिए परिचालित करने का लक्ष्य रखा गया है। ट्रायल रन शुरू करने के लिए जोर शोर से तैयारियां जारी हैं। वायडक्ट निर्माण होने के बाद ट्रैक बिछाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। साथ ही ओएचई के इंस्टॉलेशन का कार्य भी अंतिम चरण में है। सिग्नलिंग और यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स के इंस्टॉलेशन का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। प्रायोरिटी सेक्शन में 5 स्टेशन हैं: साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो। इन 5 स्टेशनों के प्रवेश निकास द्वार आदि का निर्माण कार्य प्रगति पर है। साथ ही स्टेशन बिल्डिंग की फिनिशिंग की जा रही है। आरआरटीएस कॉरिडोर पर परिचालन और जरूरी रखरखाव के कार्यों हेतु जुलाई 2022 में एनसीआरटीसी ने जर्मन कंपनी डॉयचे बान के साथ अनुबंध किया। इसके अंतर्गत दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के परिचालन और रखरखाव के कार्य डीबी इंडिया करेगी। ऑपरेशंस के इतने समीप पहुंचने के साथ एनसीआरटीसी ने वर्ष 2022 में देश की कई प्रमुख प्रदर्शनियों में शामिल होकर लोगों को आरआरटीएस की विशेषताओं से अवगत कराया। नवंबर 2022 में प्रगति मैदान में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पहली बार लगाए गए आरआरटीएस के एग्जीबिशन पर लोगों की खासी भीड़ देखने को मिली। वर्ष 2022 में कई उच्च पदाधिकारियों ने आरआरटीएस प्रोजेक्ट के निर्माण की रफ्तार का जायजा लिया। मई 2022 में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ के भैसाली में निर्माण गतिविधियों का निरीक्षण किया। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक तथा न्यू डेवलपमेंट बैंक के कई पदाधिकारियों ने कॉरिडोर के प्रमुख स्थलों का दौरा किया। इस प्रोजेक्ट में कई ऐसी नवीनतम तकनीकों का प्रयोग हो रहा है जिससे न सिर्फ हमारे देश बल्कि पूरे विश्व की निगाहें हम पर टिकी हुई हैं। इसीलिए इससे संबंधित खबरों को देश और विदेश की मीडिया में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया। साथ ही सोशल मीडिया पर भी इसकी खासी चर्चा हो रही है। युद्ध स्तर पर किए जा रहे निर्माण कार्यों के बीच एनसीआरटीसी ने सामुदायिक जागरूकता, परिवहन के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण, वर्कर्स की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षा के लिए कई अभियान चलाए। मार्च 2022 में आरआरटीएस प्रोजेक्ट साइट पर निर्माण श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। स्वच्छ और हरित पर्यावरण की दिशा में योगदान देते हुए एनसीआरटीसी ने न्यूनतम प्रदूषण तकनीकों का प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करते हुए निर्माण कार्य सुनिश्चित किया है। देश की विकास यात्रा में एक नई कहानी लिख रही एनसीआरटीसी की टीम ने आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कई आयोजनों में हिस्सा लिया। कर्मचारियों को स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हॉबी क्लब की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत उन्हें खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सितंबर महीने में साइक्लोथॉन का भी आयोजन हुआ। एनसीआरटीसी एनसीआर के यात्रियों को तीव्र, विश्वसनीय, सुरक्षित, सुखद एवं सतत गतिशीलता समाधान प्रदान कर उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु दृढ़ संकल्प है। शीघ्र ही आरआरटीएस क्षेत्र के यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए उनके जीवन में सुखद परिवर्तन लेकर आएगा। 84 किलोमीटर का एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत का प्रोजेक्ट है, अब ये ख्वाब हकीकत बनने जा रहा है। दिल्ली मुंबई आरआरटीएस यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम हकीकत का रूप धार चुका है और तरजीही बुनियादों पर इसके 17 किलोमीटर के सेक्शन का इफ्तिताह बहुत जल्द मार्च 2023 में होने जा रहा है, जिसकी वजह से ये करोड़ों लोगों का ख्वाब पूरा हो जाएगा। दिल्ली से मेरठ तक का 84 किलोमीटर का फासला सिर्फ और सिर्फ 55 किलोमीटर में तय किया जाएगा, जिसकी वजह से इस इलाके में आने वाले लाखों बल्कि करोड़ों लोगों को रोजाना की बुनियाद पर अच्छा खासा फायदा भी हो जाएगा। वीडियो की जानकारी देख के तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि आधे से ज्यादा काम हो चुका है, 75% तक पिलर बन चुके हैं
और जो तरजीही सेक्शन जिसके अंदर 5 स्टेशन आने हैं वो भी अब मुकम्मल होने के करीब है। इसके साथ साथ कई एक टनल्स पर भी काम किया जा चुका है, 4 ट्रेनें तैयार कर ली गई हैं और कई एक ट्रेनों का आजमाइशी ट्रायल भी जारी है। और ये 100% मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट होने वाला है, जिसकी वजह से ये भारतीयों के लिए एक और भी अमेजिंग प्रोजेक्ट बनके सामने आता है। दिल्ली से मेरठ तक 84 किलोमीटर की लेंथ में 25 स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसमें से 4 स्टेशन दिल्ली में हो गए। और इसकी एक ज़बरदस्त बात यह भी है कि इसमें 11 किलोमीटर की लेंथ अंडरग्राउंड यानी टनल्स की सूरत में होने वाली है, जबकि इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा एलिवेटर भी होगा, जिसकी वजह से ट्रैफिक का फ्लो भी जारी रहेगा। दिल्ली जैसा शहर जहाँ पर ट्रैफिक का फ्लो एक बहुत बड़ा मसला है, ऐसे शहर में इस तरह का RRTS बनना दिल्ली वालों के लिए बहुत बड़ी नेमत साबित होगा। अपना 100% कंस्ट्रक्शन मुकम्मल होने के बाद ये प्रोजेक्ट सच में हैरान कर देने वाले फिगर सामने लेके आएगा, और एक दिन में 8 लाख राइड शिप की तवक्को की जा रही है, यानी सिर्फ 1 माह के अंदर 3 करोड़ से ज़्यादा लोग इस सहूलत को इस्तेमाल करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट भारत की तरक्की में बहुत बुनियादी किरदार अदा करेगा और दिल्ली आसपास के लोगों के लिए भी बहुत बड़ी नेमत साबित होगा। बुलेट ट्रेन की तरह ये प्रोजेक्ट भी अब भारतीयों का ड्रीम प्रोजेक्ट बन चुका है, लेकिन बुलेट ट्रेन की निस्बत ये बहुत तेज़ी के साथ अपने मकसद को हासिल कर रहा है। इस वीडियो में यहाँ तक बने रहेंगे, बहुत सारा धन्यवाद। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, बहुत जल्दी एक और इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय।